तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और आपको 11 बजे तक का अगर हम अपडेट दें तो रांची में 28.06% मतदान हुआ है। वहीं धनबाद की बात करें तो धनबाद में 26.06% मतदान की खबर है 11 बजे तक। गिरिडीह में सबसे अधिक 29% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में 11 बजे तक 28.5%, 28.45% मतदान हुआ है। और अगर हम ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट की बात करें जो 11 बजे तक सामने आया है उसमें 27.80, यानी कह सकते हैं कि लगभग 28% जो वोटिंग है वो पूरी हो गई है। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों का हम आपको हाल बता रहे हैं और इन 4ों लोकसभा सीटों पर जो 11 बजे तक का अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर में 28.45, यानी कि लगभग 28.5% वोटिंग हुई है। गिरिडीह में सबसे अधिक 29% मतदान हुआ है 11 बजे तक। वहीं बात करें अगर धनबाद की तो धनबाद में भी वोटर्स में काफी उत्साह दिख रहा है, 26.06% मतदान धनबाद में हुआ है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी 28% मतदान हुआ, यानी मतदाता खूब बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने वोट की ताकत को समझ रहे हैं। तो झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। 11 बजे तक का ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट अगर हम आपको बताएं तो 11 बजे तक झारखंड में ओवरऑल 28% मतदान हुआ है। और जिस तरीके से वोटर्स मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, अपनी बूथों तक पहुंच रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले चुनावों में देखा है झारखंड के बाकी चरणों में बम्पर वोटिंग हो रही है, मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने पहुंच रहे हैं। इस चरण में भी वोटिंग परसेंटेज में झारखंड में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं और वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो लगातार बात हो रही है वो एक बार फिर से इंक्रीज हो सकता है। और गिरिडीह लोकसभा में भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। गिरिडीह से हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार बनी हुई हैं। एक बार फिर से हम करिश्मा का रुख करना चाहेंगे। करिश्मा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल करिश्मा, आप लगातार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं, आप लगातार लोगों से बात कर रही हैं, कई बूथों का आपने दौरा किया है। फिलहाल कहाँ है मौजूदगी करिश्मा आपकी? और अब लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, मतदान को कितना उत्साह दिख रहा है? जी, इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के टुंडी प्रखंड के नेटवारी गांव में मौजूद है और यहां पर जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं, जो अधिकारियों से मैंने बातचीत की उनके अनुसार यहां पर 49% वोटिंग हो चुकी है और लगातार जो मतदाता है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो भी मतदाता है वो सुबह से ही यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि 7 से 5 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलेगी, लेकिन कई ऐसे मतदाता है जो सुबह 6 बजे से ही लाइन पे हैं ताकि वो जल्दी यहां पर वोटिंग करके अपने घर को वापस लौट आए। लेकिन देखिए, ये तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, नेटवारी गांव में मौजूद है, बूथ संख्या 72 है और ऐसे में हम यहां के जनता से, यहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे। नवीन, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दे को लेकर आज ये लोग वोट करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास का कार्य हुआ है। आपने सही कहा कि कई जगहों का मैंने खुद भ्रमण किया है, कई बूथ में मैं खुद जायजा लेने के लिए पहुंची थी। कई जगह के लोगों का यही कहना है कि विकास का कार्य हुआ है, कई लोगों का कहना है कि विकास का कार्य उतना नहीं हो पाया है जितना लोगों ने सोच रखा था। अब यहाँ के हम लोगों से जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दे को लेकर ये लोग आज वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, किन मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, कितना विकास हुआ है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। विकास हुआ है तो मालूम नहीं है, मालूम नहीं है कितना विकास हुआ है भैया? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है कितना विकास हुआ है? नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम ही नहीं है, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोगों को मालूम ही नहीं है विकास कितना हुआ है। तो किन मुद्दे पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं? सब कुछ मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं? सबको
मालूम नहीं पता आपको भी? नहीं आपको भी मुद्दा नहीं पता है? नहीं। युवा है, कुछ सोच कर आए होंगे वोट देने? पता नहीं। पता नहीं आपको? आपको भी नहीं पता? नहीं पता। देखिए नवीन, बहुत ही अलग तरीके से जो तस्वीर है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से उभर कर सामने आ रही। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि लोगों को ये नहीं पता है कि कौन मुद्दे को लेकर ये लोग वोट देंगे। इसके साथ ही लोगों को ये तक नहीं पता है कि कितना विकास का कार्य जो है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। कई लोगों का कहना है मुझे नहीं पता कि कितना विकास हुआ है। और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, शायद एक दो लोग जो है वो बोल सके। जी हाँ बताइए। कुछ विकास नहीं हुआ गिरिडीह में, काफी यहाँ हर चीज में कोई चीज में सुविधा नहीं। पानी की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, कोई चीज में सुविधा नहीं। यहाँ से खाली आदमी जीत रहा है, बात कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कोई विकास का, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की स्थिति क्या है? कुछ स्थिति अच्छा नहीं है, पानी के लिए कष्ट हो रहा है, हर चीज के लिए कष्ट है। इसलिए हम लोग इस बार अपना चेंज करेंगे, जो भी इसको अच्छा लगे उसी को वोट से जिताएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि आप युवा है, युवा क्या सोचकर वोट देने के लिए पहुंचे हैं? कि ताकि स्कूल अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, पढ़ने का सुविधा हो। आदमी यहाँ से बाहर काम करने जा रहा है, झारखंड में अगर फैक्ट्री होगा तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे काम करने? इसी के मुद्दा से वोट देने के लिए। पलायन की जो स्थिति है उससे आप लोग बहुत परेशान? बहुत परेशान है, काफी। देखिए यहाँ से आदमी बाहर काम करने जा रहा है, बोकारो का आदमी, धनबाद का आदमी, काफी आदमी बाहर जा रहा है काम करने, कोई सुविधा ही नहीं है। दादा आपको पता है किन मुद्दे को लेकर आप आज वोट करने के लिए पहुँचे हैं? देखिए वाजपेयी जी झारखंड को अलग किया है, उसके बाद यहाँ बताइए यहाँ कितना विकास हुआ है? यहाँ विकास का नाम से जीरो है, कुछ नहीं हुआ है। तो जो जीत कर आएंगे उनसे क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद करके ही तो वोट देते हैं, अब उसको बात के हम कैसे। पाँच साल में कोई काम नहीं हुआ है? क्या काम हुआ? कुछ नहीं। आपके क्षेत्र में कोई काम? कुछ कोई काम नहीं हुआ, जीतने के बाद भी आईबो नहीं किया। पाँच साल जीतने के बाद उससे दर्शन भी नहीं हुआ है। मतलब जो सीटिंग सांसद है वो नहीं आया? यहाँ आईबो नहीं किया, चेहरा भी नहीं देखे, कोई चेहरा नहीं, फोटो भी नहीं देखे अभी तक, क्षेत्र नहीं आए एक बार ना, आज तक नहीं आया। और भी लोग गया, आपको पता है कितना विकास हुआ है? कुछ हो रहा ना, तो कुछ हबे नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इधर उम्मीद से वोट देने के लिए जा रहा है, इधर के आदमी काम करने के लिए। अच्छा। फैक्ट्री उक्टरी आरोप बंदे हो रहा है, और बाहर के आदमी का आके काम कर रहा है यहाँ। पाँच साल में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं बदला है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र? बदला नहीं, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, मगर काम ही नहीं हो रहा है एकदम। नेटवारी गांव में क्या हुआ है अब तक, कुछ बदला? ना काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है ना। आपको भी लगता है कि इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है? बात तो सही है, अब तक जो हुई है जितनी भी मेरी अभी तक तो विकास की मुद्दा तो इस तरह की हुई नहीं है, और हम लोग इस बार थोड़ा बदलाव चाहते हैं। अभी जैसे है जयराम महतो, अभी नए फेस हैं, कैंडिडेट है, युवक हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उनको देख करके देते हैं, शायद कुछ बदला हो। हम लोग के लोकल क्षेत्र वाले कैंडिडेट हैं, तो हम लोग की भरपूर कोशिश है कि जयराम दा निकल जाए तो शायद हम लोग का विकास हो। चलिए आप मत बताइए कि आप किसको वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उसको आप खुद में अपना पर्सनल बात बोल दिए है ना, बाकी मुद्दा जिनके जो हराए है वो अपने देंगे। लगता है कि कुछ हुआ है, आप देख पा रहे होंगे नेटवारी गाँव को बहुत पहले से, कुछ बदलाव? कुछ तो बदलाव हुआ है, और आगे इस पाँच साल में कुछ होने वाला है, ये मेरा विश्वास है, ये कुछ होने वाला है। जिसको भी वोट देने के लिए पहुंचे, क्या लगता है वो जीतेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे? वो इस बार तो पाँच साल में बहुत कुछ करेंगे, जैसा उसका वादा है वो करेंगे। आपको क्या लगता है, युवा है, युवा क्या सोच कर आ जाए हैं वोट करने? देखिए हम लोग तो जिस उम्मीद से हम लोग आए हैं वोट देने के लिए, जिसको अब वोट देंगे, हम लोग सोच के रखे हैं कि इसको हमको जिताना है तो जिताना है, इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो हमको पता नहीं है। मतलब इस तरह जैसे विकास होना चाहिए उस तरह तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बाकी जो कर रहे हैं वो तो कुछ किया होगा, थोड़ा बहुत हम लोग भी देख रहे हैं, ऐसे बात कुछ नहीं है। तो देखिए नवीन, यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि कोई विकास का कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है, जिस वजह से ये लोग काफी परेशान हैं। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो लोग जीत कर आएंगे उनसे काफी उम्मीद रहेगी कि वो अच्छे से कार्य करे, विकास का कार्य करे। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ टुंडी प्रखंड के नेटवारी गाँव में, यहाँ पर लोगों का कहना है कि उतना बदलाव नहीं हुआ है। तो लोगों के मन में यही इच्छा है कि जो भी जीत कर आएंगे बदलाव करे, ताकि विकास के कार्य में थोड़ी गति मिले। इसके साथ ही जो नेटवारी गांव में जो कुछ काम नहीं हुआ है वो काम हो सके। जी
बिल्कुल, एक वोट की ताकत ही बदलाव सुनिश्चित करती है और उसी बदलाव की उम्मीद के साथ लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। करिश्मा, और आपने तमाम लोगों से बात किया, निश्चित रूप से करिश्मा, वहां पर जो सिटिंग सांसद हैं उनका नाम तक लोगों को पता नहीं है, तो ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो ये नहीं जानते हैं कि उनके प्रत्याशी कौन है, सिटिंग सांसद कौन है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और विकास की उम्मीद के साथ वो वोट कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में विकास का दरवाजा खुले, उनके क्षेत्र में जनप्रतिनिधि पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने और उनके समस्याओं का निदान हो सके। बहरहाल, नज़र बनाए रखिएगा करिश्मा, आप फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।